दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ऐसी गाड़ी दिखाऊंगा जो कि एक ससुर अपने दामाद को देना पसंद करता है। हर शादी में वो गाड़ी बिकती है और ऐसे ही बिकती है, लेकिन शादियों में ज़्यादा बिकती है वो गाड़ी। अब मेरे पीछे लोगों देख रहे होंगे उस गाड़ी का और समझ गए होंगे मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू लॉन्च हीरो के तरफ से स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। सो ये हीरो की तरफ से एक नया लॉन्च है स्प्लेंडर का 2.0, जिसमें हीरो ने बहुत सारे बदलाव किए हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहना, कहीं जाना नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं इसके फ्रंट लाइट पे, जो कि बहुत प्यारा DRL यहाँ पे दिया हुआ है। हीरो की तरफ से ये चेंजेस किया गया है इसमें, इसके हेडलाइट में, और यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन दिया हुआ है हीरो की तरफ से, जो कि एक रेड कलर की स्ट्रिप लाइन आ रही है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। इसके इंडिकेटर में भी हीरो ने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हजार्ड लाइट एक हीरो ने ऐड किया है इसमें, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका मडगार्ड जो एज इट इज़ हीरो ने पुराना ही रखा है, और टायर सेक्शन भी पुराने स्प्लेंडर के तरह ही है। और इसमें ब्रेक आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, जो कि पुराना हीरो में आता था, स्प्लेंडर में आता था, वैसा ही आपको मिलता है। इस बात करें इसके साइड लुक की, तो इसका साइड लुक बहुत ही प्यारा है। हीरो का बैचिंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 3D लोगों में, और ग्रे और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन हीरो ने दिया है, जो कि मतलब एक क्लासी लुक देने का पूरा प्रयास किया हीरो ने अपने स्प्लेंडर के कस्टमर्स को। हीरो भी बोलता है कि यार मेरे भी कस्टमर जो हैं वो क्लासी लगने चाहिए। और यहाँ पे भी आपको स्प्लेंडर प्लस एक्स 2.0 का एक बैचिंग दिखाई देगा। ये सारा 3D में लोगो है, और एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा इसमें कलर कॉम्बिनेशन डाला है हीरो ने। बात करते हैं इसके बैक की, तो इसके बैक में भी हीरो ने बैकलाइट में कुछ चेंजेस किए हैं, जो H साइन का यहाँ पे आपको बैकलाइट दिखेगा, जो कि एक मतलब बहुत ही प्यारा और क्लासी टाइप ये भी लग रहा है आपको। एक लो सेगमेंट की बाइक में इतने सारे चेंजेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। और टायर भी आपको सेम पुराने वाले हीरो स्प्लेंडर में जैसे आता था, वैसे ही ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ आता है आपको। ये लुक आप देख सकते हैं स्प्लेंडर की, यहाँ ही बैचिंग आती है, और इसका सीट भी काफी कंफर्टेबल है, 3 आदमी आराम से जाता है। लेकिन ट्रिपलिंग जाना नहीं आप लोगों को भैया, रूल फॉलो करना। अब हम लोग इसके मीटर का बात करते हैं, तो यहाँ पे फुल्ली डिजिटल मीटर हीरो के तरफ से स्प्लेंडर में दिया गया है, जो सारे आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी दिया गया है जो चार्ज करने के लिए है। हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है हीरो के तरफ से, पासिंग लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है, जो कि पास पहले नहीं आता था। इधर आपको I3S टेक्नोलॉजी का ऑन ऑफ भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और मिरर में भी हीरो ने चेंजेस किए हैं, थोड़ा ग्लॉसी फेस दिया है मिरर में भी, मिरर का शेप भी थोड़ा चेंज किया है। तो ये सारे आपको चेंजेस हीरो ने किए हैं अपने स्प्लेंडर में, ताकि नए वाले स्प्लेंडर को थोड़ा बढ़िया लुक दिया जाए। बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में, तो ये गाड़ी 97cc की गाड़ी है, जो कि 8.2 bhp का पावर जनरेट करती है और 8.5 का टॉर्क जनरेट करती है। और कंपनी क्लेम है 73 का इसको माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है, लेकिन इसलिए आपको 60-65 अगर आप अच्छा सिटी राइड कर रहे हो तो ये मतलब 60-65 के अराउंड माइलेज आपको प्रोवाइड कर देगी। बाद बाकी आप लोग चलाने के ऊपर डिपेंड करता है यार, ये तो मोस्ट सेलिंग बाइक है माइलेज के मामले में। तो ओवरऑल ये था हमारा हीरो स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 के ऊपर रिव्यू। बाकी आप लोग शोरूम ज़रूर आए, मैं शोरूम का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। पाटलिपुत्रा हीरो के नाम से शोरूम में आप ज़रूर आएँ, गाड़ी देखें, गाड़ी बुक करें, टेस्ट राइड लें और डिलीवरी लें। और भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले यार, आप ही लोग के लिए मेहनत करते हैं भाई, सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कहाँ जाएंगे। सो प्लीज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना केयर करना है, और जय हिंद जय भारत।